Hello, my dear students. How are you? I think all of you are well during COVID-19 pandemic. So guys, today I am going to start a new topic that is called secondary ionization process. This topic is in the subject of high voltage engineering according to IKG-PTU Kapurthala Electrical Engineering 7th semester syllabus. But other universities also have a subject of high voltage engineering, and everywhere this topic is common in any university. So guys, today I am going to discuss this topic. Before that, I request you, agar aap pehli baar mere channel pe aaye hain to kripya karke mere is channel ko zarur subscribe kare, aur channel subscription ke baad aap aage ka bell button zarur dabaye taki aapko jo information hai mere channel ke regarding wo hamesha jab bhi main koi video dalta hu ya koi bhi post main karu to aapko update hota rahe. इसके अलावा अगर आप फैकल्टी मेंबर है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं यूनिवर्सिटी के टॉपिक बाय टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने सारे सब्जेक्ट हैं. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर नॉलेज रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, यू कैन रेफर दीज बुक्स रिटन बाय अ ग्रेट स्कॉलर एंड प्रोफेसर. All are our gurus. Those provide us such a excellent written material to get the knowledge regarding this particular topic. So guys, we are discussing secondary ionization process. So before that, we already studied the primary ionization process that will be happen due to the electron by collision, and second is by photo ionizations. So these are the electrons. In this topic we are studied the electrons generate after the primary ionization. Primary ionization ke baad jo electrons generate honge due to secondary ionization, uske bare mein hum log is topic mein study karenge. So guys, generally teen part mein main isko teen slide mein discuss karunga, ki teen alag alag type hai jiske karan ye secondary ionization process jo hai wo hota hai gaseous dielectric ke case mein. तो फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू पॉजिटिव आयन इंपैक्ट. तो जो पॉजिटिव आयन का है उसका जो इंपैक्ट है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होगा सेकेंडरी आयनाइजेशन में, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखा है, पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू आयनाइजेशन बाय कॉलिजन और बाय फोटो आयनाइजेशन एंड बीइंग पॉजिटिवली चार्ज दे ट्रेवल टूवर्ड्स द कैथोड. तो जो प्राइमरी आयनाइजेशन में जो प्रोसेस होता है बाय कॉलिजन और बाय फोटो आयनाइजेशन, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हम जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. ए पॉजिटिव आयन अप्रोचिंग ए मेटेलिक कैथोड कैन कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड बाय गिविंग अप इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन इंपैक्ट. तो उसके बीच में जो एक काइनेटिक एनर्जी होता है, जो फोर्स कैथोड उस इलेक्ट्रॉन्स को अपने और खींचना चाहता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, तो बीच में जितने भी उसके पॉजिटिव आयन्स है उसको वो अपने साथ कोलैब करते जाता है. If the total energy of the positive ion is equal to kinetic energy plus ionization energy, अगर ये energy जो है total energy जो कि positive ion के हैं, जो कि kinetic energy और ionization energy के sum के equivalent है, is greater than twice the work function of the metal. अगर ये double होगा जो हम लोग metal पे work कर रहे हैं, then one electron will be ejected and second electron will neutralize the ion. तो क्या होगा, जैसे ये डबल हो जाएगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी मिलके वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के से, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इजेक्ट होगा एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल न्यूट्रलाइज द आयन. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा उस आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस इज मेजर्ड एज गामा, इसको हम लोग गामा से मेजर्ड करते हैं, विच इज कॉल्ड द टॉन्सेंट सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट. इसको हम लोग जनरली, टॉन्सेंट एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी, टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरिया दी थी उसने, कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन क्राइटेरिया, और टॉन्सेंट आयनाइजेशन क्राइटेरिया के नाम से भी जाना जाता है. तो उन्होंने एक कांस्टेंट दिया था अल्फा और गामा. तो जो अल्फा की बात होती है, अल्फा होगा प्राइमरी आयनाइजेशन के केस में जब हम लोग आयनाइजेशन बाय कॉलिजन करेंगे या आयनाइजेशन बाय फोटो आयनाइजेशन के थ्रू हम लोग करेंगे ब्रेकडाउन, लेकिन जब सेकेंडरी ब्रेकडाउन के थ्रू होगा तो वहां पर इसने कॉन्स्टेंट लिया, दैट इज नोन एज गामा, और इसको हम लोग टॉन्सेंट सेकेंडरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट कहते हैं. टॉन्सेंट जो ब्रेकडाउन क्राइटेरिया है और ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है, दैट विल बी डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स जब मैं आगे इसके बनाऊंगा, उसमें हम लोग टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरिया और ये सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो जनरली आप ये समझ लीजिए कि प्रोसेस को जो मेजर किया जाता है वो टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरिया सेकेंडरी आयनाइजेशन कोफिशिएंट के थ्रू ही मेजर किया जाता है. तो ये फीचर्स कब होगा, जब ये हमारा
ये प्रोसेस कब होता है, जब काइनेटिक एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है वो डबल हो जाए, ट्वाइस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तभी। अब सेकेंड जो है, सेकेंड सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस जो है सेकेंड, वो होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू फोटोन्स, ठीक है। टू कॉज द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल, इट शुड बी गिवन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द सरफेस पोटेंशियल बैरियर। तो जो इलेक्ट्रोड का सरफेस का पोटेंशियल बैरियर है उसको पार करना बहुत जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर पाएगा। द एनर्जी कैन सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। मैंने जो फोटो आयनाइजेशन का इससे प्रीवियस लेक्चर बनाया हुआ है उसमें आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरह से फोटो आयनाइजेशन होता है। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहा है मेटल सर्फेस से, बाय जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे रहे हैं, देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटल सर्फेस अकर्स एट द कंडीशन ऑफ, एक कंडीशन बनता है कि एच वी इज ग्रेटर देन फाइव। तो यहाँ एच वी हमें पता है क्या है और फाई भी हमें पता होना चाहिए क्या है। तो एच वी जो है आपका, वो हम लोग प्लांक कांस्टेंट और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ग्रेटर देन और इक्वल फाई जो हमारा फोटॉन्स जो हमारा जनरेट हो रहा है वो है, उसके जो फ्लक्स जो एक इस एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हो रहा है वो है हमारा। द फ्रीक्वेंसी वी, यहाँ वी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच इज द प्लांक कॉन्स्टेंट, इज गिवन बाय रिलेशनशिप, वी इज द थर्स्ट होल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग जनरली थर्स्ट होल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंड वी इज इक्वल टू फाइव अपॉन एच, ये हम लोग जनरली मेजर करते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल है मतलब एच डॉट वी जो है जनरली इक्वलेंट टू फाइव के होता है, एंड फाइव जो, अगर मैं वी का देखूं जो कि हमारा थर्स्ट होल फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फाइव अपॉन एच। इफ द इंसिडेंट रेडिएशन हैज ए ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन द थर्स्ट होल फ्रीक्वेंसी, जो हमारा ये इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर होगी थर्स्ट होल फ्रीक्वेंसी से, द एक्सेस एनर्जी गोज पार्शली एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड पार्शली टू हीट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं, जब ये थर्स्ट होल फ्रीक्वेंसी जो आपका है उससे ज्यादा हो जाता है आपका इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है, एक्सेस एनर्जी जाता है और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो जाते हैं पार्शली, और जो सरफेस होता है इलेक्ट्रोड का वो आपका हीटेड हो जाता है। तो आप फाइनली जो इसमें देखेंगे, ये फाइनली जो हमारा ये जो थ्योरम कहता है, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू फोटॉन्स है, ये सेकेंडरी आयनाइजेशन में जब फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन हो जाएगा ड्यू टू फोटो आयनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा उस ड्यू टू दैट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू फोटॉन्स। तो ड्यू टू फोटॉन्स के बाद जो नए नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसके कारण क्या होगा, एक टाइम आएगा जब हमारा जो डायलैक्ट्रिक है वो आयनाइज्ड हो जाएगा और हमारा ब्रेकडाउन जो है वो अचीव हो जाएगा। और लास्ट जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू मेटा स्टेबल एंड न्यूट्रल एटम। जो मेटा स्टेबल और न्यूट्रल एटम उस मेटल के अंदर है या एटमोस्फेरिक जो हम डायलैक्ट्रिक ले रहे हैं उसके अंदर है, उसके कारण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू मेटा स्टेबल एंड न्यूट्रल एटम, इसके बारे में आप बताइए। तो पहला लाइन क्या लिखा है मैंने, देखिए, ए मेटा स्टेबल एटम और मॉलिक्यूल इज एन एक्साइटेड पार्टिकल हुज लाइफ टाइम इज वेरी लार्ज, 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड कंपेयर टू द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टिकल 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। तो जो इसका मेटा स्टेबल एटम और मॉलिक्यूल जो होता है, इसका जो एक्साइटेड पार्टिकल होता है उसकी जो लाइफ होती है, आप 10.8 सेकेंड के रेस्पेक्ट में देखिए तो 10.3 सेकेंड इज मच हाइयर। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पार्टिकल जिसका लाइफ टाइम 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस बाय द इम्पैक्ट ऑफ एक्साइटेड एटम। तो जो एक्साइटेड एटम उस मेटल के इलेक्ट्रोड पे हम लोग एक्साइट कर रहे हैं उसके कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होता है। एटम्स प्रोवाइडेड दैट देयर टोटल एनर्जी इज सफिशियंट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। जो एनर्जी है वो उसको उस जो ऑलरेडी वर्क फंक्शन में उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो आ पाएगा। दिस प्रोसेस इज मोस्ट इजिली ऑब्जर्व विद मेटा स्टेबल एटम। जो मेटा स्टेबल एटम के साथ होता है उसके साथ ज्यादातर देखा जाता है, बिकॉज द लाइफ टाइम ऑफ अदर एक्साइटेड स्टेट इज टू शॉर्ट फॉर देम टू रीच द कैथोड एंड कॉज इलेक्ट्रॉन एमिशन अनलेस दे ओरिजिनेट वेरी नियर टू द कैथोड सर्फेस। अब क्या होता है, कई बार
जो हमारे एनोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो पूरा जो रास्ता है वो ट्रेवल करके कैथोड तक नहीं पहुंच पाते। तो जो हमारा प्रॉपर एक आयनाइजेशन होना चाहिए बीच में, लिंक वो टूट जाता है। तो मेटास्टेबल एमिशन जो है और न्यूट्रल एटम के कारण जो हमारा कैथोड है उसके आसपास ही हम लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस जो है वो हो जाए। इंटरेक्शन ऑफ एक्साइटेड एटम हीलियम एटम विद ए क्लीन सरफेस ऑफ मोलिब्डेनम निकेल और मैग्नीशियम न्यूट्रल एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑल्सो गिव राइज टू सेकेंडरी आयनाइजेशन एमिशन इफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज हाई। अब देखो यहाँ पे कहा गया है कि इंटरेक्शन ऑफ एक्साइटेड हीलियम एटम, जो हीलियम का एटम होता है उसके साथ जब इंटरेक्शन होता है विद ए क्लीन सरफेस ऑफ मोलिब्डेनम, अगर कोई हमने मोलिब्डेनम मेटल का कोई इलेक्ट्रोड बनाया है, निकेल का बनाया है और मैग्नीशियम का बनाया है, तो क्या होता है न्यूट्रल एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट जो होता है हमारा, न्यूट्रल जो हमारा एटम होता है ग्राउंड स्टेट पे ऑल्सो गिव राइज टू सेकेंडरी एमिशन, वो और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है आफ्टर एमिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फर्स्ट आयनाइजेशन प्रोसेस। तो क्या होता है वो इफ देयर, उसमें कंडीशन ये है कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होना चाहिए, दैट विल बी मोर देन और इज इक्वल टू 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होना चाहिए। तो ये जो आपने पढ़ा ये तीन अलग अलग मेथड है सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस के। तो ये जनरली कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपसे डायरेक्ट हेडिंग यही पूछा जाएगा कि सेकेंडरी आयनाइजेशन क्या है, तो आप सेकेंडरी आयनाइजेशन को समझाइए कि किस तरह से होता है। पहला होता है आयनाइजेशन बाय कॉलिजन, दूसरा होता है फोटो आयनाइजेशन के कारण, तीसरा इलेक्ट्रॉन एमिशन ड्यू टू मेटास्टेबल एंड न्यूट्रल एटम्स। तो ये एक प्रोसेस है सेकेंडरी आयनाइजेशन के, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन करा के आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया। अब आगे का पूरा आयनाइजेशन प्रोसेस उसी एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे सेकेंडरी आयनाइजेशन के थ्रू होता है, और अगर सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा तो जो पूरा हमारा आयनाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है इसका गैस में, ज्यादातर हम लोग इस चीज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आप लोग SF6 सर्किट ब्रेकर की मैं बात करता हूं, दो इलेक्ट्रोड्स हैं बीच में हमने SF6 गैस लिया, तो इनके न्यूट्रल और ये सारे पार्टिकल्स होने के कारण क्या होगा, वो कोशिश करेगा एक दूसरे का ब्रेन आपस में टच होने का, और एक जो विदस्टैंड वोल्टेज है वहां आने से पहले हमारे सिस्टम में बीच में आयनाइजेशन हो जाना चाहिए और सर्किट क्लोज हो जाना चाहिए, तभी हमारा आगे का इक्विपमेंट बचेगा। अगर उस प्रोसेस में मैंने डिले कर दिया और सर्किट ब्रेकर लेट ऑपरेट हुआ तो फिर आपका सारा का सारा सिस्टम इधर ब्लास्ट हो जाना है। तो उस चीज से बचने के लिए सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो मस्ट है इन द केस ऑफ गैसियस डाइलेक्ट्रिक प्रोसेस। फर्स्ट आयनाइजेशन होगा, देन सेकेंडरी आयनाइजेशन होगा, उसके बाद आपका आयनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और जो आपका सिस्टम है वो ब्रेकडाउन को अचीव करेगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद इन सब चीजों को मैं अभी हल्का हल्का ऊपर ऊपर इसलिए ले रहा हूं फास्टली, क्योंकि रिटेन मटेरियल लाइक मैंने मटेरियल आपको स्लाइड में दे रखा है। बाकी इस सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में टॉन्सेंट ब्रेकडाउन मैकेनिज्म आपको पढ़ाऊंगा, टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा, टॉन्सेंट आयनाइजेशन फर्स्ट कोएफिशिएंट, सेकेंडरी आयनाइजेशन को टॉन्सेंट सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट गामा, टॉन्सेंट फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट अल्फा कैसे हुआ, करंट ग्रोथ इक्वेशन क्या होगा, सारा का सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए मैं इसमें लाइटली जा रहा हूं। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 18 19 20 होगा, इट्स टू इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द गैसियस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, उसमें पूरा का पूरा आप ये सोच लो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है भाई। आप RTU में अगर पढ़ रहे हो तो मैं वहां पढ़ाया हूं, मैंने 100% रिजल्ट भी दिया, मैं आपको बता दूं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8 marks का कि टॉन्सेंट एक्सप्लेन द टॉन्सेंट ब्रेकडाउन मैकेनिज्म या टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन क्या है। अगर टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन आपसे 8 number में पूछ दिया तो आपको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट ये है, सेकेंडरी आयनाइजेशन प्रोसेस ये हुआ, देन एक इक्वेशन बनेगी दैट विल बी द फाइनल टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए 2 number में कि टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन क्या है, तो बस आप जो इक्वेशन है लास्ट वाला टॉन्सेंट ब्रेकडाउन क्राइटेरियन का जो होगा वो आप लिख दो, काम खत्म। आप तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट गाइज, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू आर विजिट फर्स्ट टाइम इन माय चैनल, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक्स का टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट्स के टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन, एक बेसिक आइडिया ले सके। डिटेल पढ़ने के लिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक आप बुक ओपन नहीं करेंगे आपको कंसेप्ट नहीं आएगा,
क्योंकि जब ही आपने दो बुक खोला आपको कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस लगेगा, तब आप अपना आईक्यू यूज करोगे और अपना एक अलग कंसेप्ट क्लियर करोगे। और उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए गाइज मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि यू हैव टू रेफर दी रेफरेंस बुक रेफर्ड बाय मी ड्यूरिंग माई लेक्चर। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।